नमक इश्क में जहां रौनक डाल डाल है तो युग पात पात है। जी हाँ, वो कहते हैं ना, तू डाल डाल मैं पात पात, दोनों भाइयों में यही चल रहा है। आपको बता दें कि जहां ये साबित करने पे रौनक लगा हुआ है कि दोनों एक साथ एक रूम में जब नहीं रह सकते हैं तो इन्हें पति पत्नी का दर्जा किसने दिया है। साथ ही साथ रानी और लकी, ये दोनों को भी मालूम चलना चाहिए कि आखिर युग और कहानी के बीच में रिश्ता क्या है। तभी तो कहानी को उसके भाई और बहन उसके दबाव में आकर उसे ये रिश्ता तोड़ने के लिए कहेंगे। ये सब रौनक की चाल है, लेकिन युग भी कम नहीं। जहां कहानी ने ये कहा कि उसी के रूम में रानी और लकी रहेंगे, तो अब युग ने उन्हें गेस्ट रूम में रख दिया है और सभी के सामने ये बात साबित कर दी है कि वो पति पत्नी वाला रिश्ता भी रखेंगे। इसीलिए युग ने अपने गोद में उठाकर कहानी को रूम तक लाए। सभी लोग ये देखने लगे। रौनक तो दादी से ये भी कह दिया कि ये देखो कैसी बेशर्मी है, सभी के बीच में ये कहानी को गोद में उठाकर अब रूम में लेकर जा रहा है। दादी भी कहती है कि युग ने तो हद ही कर दी, अब अपनी गोद में युग जो है वो कहानी को रूम में लाता है और रूम को अंदर से बंद कर देता है। सभी को लगता है कि अब ये दोनों एक साथ ही एक रूम में रहेंगे और पति पत्नी वाला रिश्ता भी इन दोनों के बीच होगा, क्योंकि युग यही चाहता है कि सबको यही लगे। लेकिन कहानी जो है वो गुस्सा कर रही है और कह रही है कि मुझे बाहर जाने दीजिए अपने भाई और बहन के पास। लेकिन यहाँ पर युग ने साफ मना कर दिया है। उसने कह दिया है कि तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, अब तुम भी मेरे हिसाब से रहोगी, मेरे तरीके से रहोगी। अब देखना दिलचस्प होता है कि युग ने जो चाल चली है सबके सामने एक दूसरे के साथ एक रूम में रहने का और सबको ये लगे कि ये दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता है, तब आगे कहानी क्या मोड़ लेती है, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप बहुत ट्विस्ट भी देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।